नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की प्रमुख पांच खबरों के बारे में। पहली खबर की बात करें तो बीसीसीआई के अंदर बड़ी हलचल हुई है। टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के बीच अनबन हुई है। जी हम आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के बीच टीम निर्माण और भविष्य की योजना को लेकर लगे कथित कम्युनिकेशन गैप के बाद बोर्ड हरकत में आ गया है और एक रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई के टॉप बॉस जल्द ही इस मुद्दे पर खिलाड़ियों और चयनकर्ताओं से बात करके आगे की योजना तैयार करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेन्नई की तरह मुंबई भी शुक्रवार को दुबई पहुंचने की तैयारी में है। लैंडिंग के लिए मंजूरी का है इंतजार। जी हम आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरह डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस भी शुक्रवार को दुबई पहुंचने की तैयारी में है। दोनों टीमें 19 सितंबर को इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण के यूएई लेग के पहले मैच में आमने सामने होने जा रही है। समाचार एजेंसी से बात करते हुए घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि मुंबई इंडियंस शुक्रवार को दुबई पहुंचने के इच्छुक हैं और उसे लैंडिंग की अनुमति का बस इंतजार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉर्ड्स टेस्ट के लिए लंकाशायर का तेज गेंदबाज इंग्लैंड टीम में हुआ शामिल। डोम बेस स्क्वाड से हुए बाहर। जी हम आपको बता दें लंकाशायर के तेज गेंदबाज शाकिब महमूद को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कवर के तौर पर इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया है। अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रैड और को मंगलवार को लॉर्ड्स में अभ्यास सत्र के दौरान दाएं पैर में चोट लग गई थी और पाकिस्तानी मूल के 24 वर्षीय साकिब ने इंग्लैंड के लिए लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में 16 मैच खेले हैं और साथ ही साथ इसमें 7 एक दिवसीय और 9 T20 शामिल हैं। इसमें उन्होंने कुल 21 विकेट लिए हैं। उन्होंने 22 प्रथम श्रेणी मैचों में 65 विकेट लिए हैं। साकिब के टीम में शामिल होने के साथ ECB ने बताया कि ऑफ स्पिनर डोम बेस टीम छोड़कर यॉर्कशायर लौट जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाकिब अल हसन को ICC ने एक दिन में दी दो खुशखबरी। दोनों हैं एक से बढ़कर एक। जी हम आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने एक ही दिन में बांग्लादेश टीम के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को दो बड़ी खुशखबरी देने का काम किया है। विकेट फिक्सरों की जानकारी ना देने की वजह से बैन झेल चुके शाकिब अल हसन फिर से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। इसके अलावा इस दिन उन्होंने ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने का भी कमाल किया है। ICC ने बुधवार को ताज़ा T20 रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में शाकिब अल हसन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब शाकिब अल हसन को नंबर 1 की कुर्सी बतौर ऑलराउंडर मिली है, बल्कि वो 2014 में भी नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ICC टेस्ट रैंकिंग में जो रूट और जसप्रीत बुमराह ने मारी छलांग, विराट कोहली फिसले। जी हम आपको बता दें ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त छलांग लगाई है, जबकि विराट कोहली को अपनी खराब फॉर्म के कारण एक पायदान नीचे खिसकना पड़ा है। विराट कोहली अब 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं जबकि बुमराह ने टॉप 10 में छलांग लगाई है। हम आपको बता दें भारत इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम में खेले गए 5 मैचों के टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है और इस तरीके से जसप्रीत बुमराह की जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में वो टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। पहले वो 19वें पायदान पर थे और अब वो 9वें पायदान पर पहुँच गए हैं। तो स्पोर्ट्स जगत में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।